पेरेंट
लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, एक नया सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट आपका किससे बना होगा? CH3 इथेन से बना होगा। इथेन में जब मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बना? इथाइल। तो सबसे पहले इथाइल का मुझे पोजीशन बताना पड़ेगा, तो क्या आएगा बेटा बोलो? इथाइल। और अब क्या नाम लिखेंगे? ब्यूटाइल। क्या ब्यूटेन कौन लिखेगा इसमें? क्या ब्यूटेन है? ब्यूटेन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट है। क्योंकि ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। बात समझ में आए? बात समझ में आए बेटा? दो मिनट तुम लोग लिखो इसको, ठीक है? तुम लोग लिखो, 2 मिनट। देख बेटा
सब्स्टिट्यूएंट कितना मिला? 4 कहां से मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट? तो दो लड़की, 1 2 3 4 कितना सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा? एक ही मिलेगा ना, ये वाला। अगर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो कितने मिल रहे हैं? 1 2। अब बोलो ना, बोलो ना, इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? बोल, प्रोपाइल। बोलते हैं प्रोपाइल। बात कंफर्म, क्लियर? पक्का पक्का क्लियर है ना? नहीं है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो मुझे इतना बताओ, यहाँ पर 3 हो रही है, यहाँ पर क्या हो गया बेटा? बोलो 1। तो नाम कैसे लिखेंगे? नाम में मिथाइल पहले लिखेंगे कि प्रोपाइल पहले लिखेंगे? पी पहले आता है कि एम पहले आता है? एम पहले आता है ना अल्फाबेट में। किसके अल्फाबेट में पी पहले आता है? किसने एबीसीडी उल्टी पड़ी है उसी का पी पहले आएगा। तो कौन पहले आता है? एम पहले आता है कि पी पहले आता है? बोलो सर, एम आता है। बोलो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। 3 मिथाइल 1 प्रोपाइल। फटाफट स्पीड से बोलो ब्यूटाइल। वेरी गुड, कंफर्म, श्योर। अगला नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं बेटा। जल्दी से जल्दी बोलो बेटा इसका, फटाफट। कहां से स्टार्ट करेंगे? ये वाले सी से है, यहां से। यहां से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि यही कार्बन आपके पेरेंट कार्बन चेन से अटैच होगा, आया ना? हाँ पक्का, समझा? अब बताओ नम कहाँ की ओर जाएंगे? इधर की ओर या इधर की ओर या इधर की ओर? बताओ यहाँ की ओर। क्यों? मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पागल लड़को, पहले समझो, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? 5 कार्बन। यहाँ से यहाँ मूव कर रहे, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो कितने कार्बन? बोल बोल कितने? 1 2 3। यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो 1 2। बताओ आंसर कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जल्दी बताओ। अब ये वाला क्यों सेलेक्ट किया? बोलो लॉन्गेस्ट है इसलिए। बात समझ आया? एक्सप्लेनेशन साइड लिखते रहना। 1 2 3 4 5। नाउ आंसर बोलो जल्दी से। अब जल्दी बोलो ये कौन सा, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, जल्दी बताओ। ये बताओ किस वन सब्स्टिट्यूएंट होगा? इसका नाम बोल। सब बोलो इसका नाम बोलो। पक्का इसका नाम बोलो? मिथाइल। इस बार कितने मिथाइल आ गए? तो क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे? अब मिथाइल, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। वो ई पहले आता है कि एम पहले आता है? पक्का? किसी के अल्फाबेट में एम पहले आता है? नहीं आता। चलो बोलो अपना वन, बोलो बोलो मिथाइल वन कोमा फोर डाई मिथाइल। बोलो बच्चा पेंटाइल। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कैसे? किसी से क्लियर हुआ अच्छे से? किसी के मन में कुछ बचा हुआ? अगर मैंने ये वाला कार्बन चेन सेलेक्ट किया होगा तो 1 2 3 4 5 तो क्या होगा? बोलो सेम होता। श्योर, बात समझ में आ गया? तो अगर जिससे सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट निकले, सेम नेम बने, तो वो एक ही होता है। ठीक है, वो एक ही टाइप का होता है। बात क्लियर है यहां तक? अब बताओ लास्ट क्वेश्चन कैसे करोगे डी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कैसे करोगे डी? हाँ वेरी गुड, बोलो जल्दी से। कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से या यहां से या यहां से? सी से। पक्का? श्योर। अब नंबरिंग कहां की ओर लेके जाएंगे? 1 2 3 4 5 किया ना? कहा नीचे? पक्का? श्योर। 5 और ये 6। अब बोलो ना कितने सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बोलो। बोलो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आप बताओ ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? तो नाम कैसे लिखेंगे बोलो? क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल। वेरी गुड। 2 कोमा 4 डाई मिथाइल। बोलो एक्साइल। बहुत बढ़िया, समझ में आया? क्लियर हुआ सर से?
सूत्र क्लियर हुआ, समझ में आया कल से पूरा श्योर समझ में आ गया? अब कल जो पढ़ा था वो सारा रिपीट हो गया? चलो वेरी गुड, करो नोट डाउन करो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ूंगा। और घर जाके सभी क्वेश्चनों को देखो, घर जाके तुम तो कॉपी के क्वेश्चन ही वापस पढ़ने, कोई दूसरे क्वेश्चन वापस नहीं पढ़ने। कॉपी के क्वेश्चन आपके मोर देन सफिशिएंट, कंसेप्ट को इंक्रीज करने के लिए कॉपी के क्वेश्चन क्या है बेटा, मोर देन सफिशिएंट। यही आपके कंसेप्ट को रिपीट करेंगे, यही आपके कंसेप्ट को दिखाएंगे। अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया घर जाके तो आपके कंसेप्ट पूरे डूब जाएंगे, समझ में आया? तो डेली का डेली काम करो, खासतौर से केमिस्ट्री का तो करना ही है, और वो भी टाइम लिमिट एक आवर से कम के अंदर हो जाना चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है? समझ में आया क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स भी ज्यादा टाइम आपको यहाँ भी लगेगा, एग्जाम में भी लगेगा। तो केमिस्ट्री का पेपर हमको जल्दी से अटेम्प्ट करना, सीखना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। 30 मिनट में आपको केमिस्ट्री का पेपर हर पेपर अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर जब हम टाइम बचाना सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, समझ में आया? अगर हमने टाइम बचाना छोड़ दिया तो हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते, समझ में आया? ये आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने के बाद एक पॉइंट बताओ, डिग्री ऑफ कार्बन या फिर लिखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन को ऑब्लिक डाल के लिखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है? ये मैं फिर से बताऊंगा टॉपिक, लेकिन अभी तुम सीखते भी चलो, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंस क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। बात क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको समझना बात। अब देखो, 1 डिग्री हाइड्रोजन, पहले बोलो 1 डिग्री हाइड्रोजन लिखो, सॉरी 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन लिखो, 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, नाम से कुछ पता पड़ रहा है? 1 डिग्री कार्बन क्या होगा? ओनली सिंगल कार्बन अटैच विद ओनली सिंगल कार्बन, मतलब एक कार्बन से अटैच होगा, ठीक है? क्या बोलोगे? ओनली सिंगल कार्बन अटैच विद ओनली सिंगल कार्बन, लिख लो, सिंगल कार्बन अटैच विद ओनली सिंगल कार्बन कॉल्ड और 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। समझ में आया? अगला 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन लिखो, 2 डिग्री कार्बन क्या लिखोगे? सिंगल कार्बन इज अटैच्ड विद 2 कार्बन। क्या होगा बेटा ये? 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन। बात समझ में आ रही है? 2 डिग्री कार्बन या फिर आपका क्या होगा बेटा, बोलो, सेकेंडरी कार्बन। और आप मुझे बताओ 3 डिग्री क्या होगा, बोलो, तुझे बताओ। सिंगल कार्बन इज अटैच्ड विद 3 कार्बन, तो वो क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। सिंगल कार्बन अटैच्ड विद 3 कार्बन क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शियरी कार्बन। क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शियरी कार्बन। बात क्लियर है? तो ये बताओ 4 डिग्री कार्बन क्या होगा, बोलो। सिंगल कार्बन अटैच विद 4 कार्बन, समझ में आया? 4 कार्बन, कोई हाइड्रोजन मत समझ लेना, कार्बन से कार्बन को ही अटैच करवाना है। बात समझ में आई? कार्बन से किसको अटैच करवाना है? कार्बन को।
4 डिग्री का कार्बन क्या होगा? सिंगल कार्बन अटैच विद फोर अदर्स कार्बन, ठीक है, या फिर उसको क्या बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन या फिर क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन लिखो, उसको क्या बोलेंगे क्वार्टरनरी कार्बन। बात क्लियर है? बात क्लियर है? क्या बोलेंगे क्वार्टरनरी कार्बन। आप देखो बेटा बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर बात को अच्छे से समझना, क्वार्टरनरी कार्बन। अब ये एक चीज बताओ, अब इसमें आप गलती कहाँ करोगे, कहाँ करोगे? अब तुम्हारी गलती में बता देता हूँ, वही करोगे गलती। बॉन्ड से हमको कोई मतलब नहीं होता डिग्री निकालने में, डिग्री निकालने में हमको डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो कोई मतलब नहीं होता। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, समझ में आया? चलो एग्जाम्पल करते तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, गलती क्या होती है। देखो एग्जाम्पल समझना, जल्दी बताना। ये देखो यहाँ पर, अब देखो ये क्या है, अभी से नाम था, इसको क्या बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं बेंजीन। और आपके एग्जाम में आया था बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ऐसे स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर कुछ पूछा था, बेंजीन का, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5, कितना होता है, आज ही ध्यान रखना, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5, कई साइड पे लिख लो, ध्यान रहेगा, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा बोलो 1.5, कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा यहां पर कि ये कार्बन कितने डिग्री है, ये कार्बन कितने डिग्री है, 3 नहीं है, हाथ क्या
ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो ये 2 डिग्री. ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो ये 2 डिग्री. ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो ये क्या होगा? 3 डिग्री. ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? बोल दो. ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? अभी तो मजा आ रहा है 1 2 3 4 पढ़ने में. धीरे धीरे टफ होगी बेटा, ऐसे नहीं है. समझ में आया जी? अगला लिख, अगला मैंने अभी अपनी ऑब्लिक करके एक पॉइंट लिखाया था आप लोगों को. वो क्या लिखा था? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन की डिग्री कैसे निकालेंगे? अब सुनो ध्यान. अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो 1 डिग्री हाइड्रोजन लिखो. डिग्री ऑफ हाइड्रोजन अगर लिखो तो डालो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन. अगला टॉपिक डालो बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन. अगला टॉपिक इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन. इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड 1 डिग्री के कार्बन, then it is called what? 1 डिग्री हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्या होगा? तो भी बोलो अगला. अगला 2 डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री बोलो. If hydrogen is attached with, then hydrogen will be what? 2 डिग्री हाइड्रोजन. समझ में आया? डेफिनेशन को देख रहे हो? आवाज आ रहा है? डेफिनेशन लिखना. तो ये बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन कुछ भी हो और 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? बोलो 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? लिखो 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? Hydrogen is attached with 4 degree carbon, then it is called 4 degree hydrogen. So 4 degree, पहले लिखो definition, उसके बाद एक और बात बोलता हूँ मैं, बहुत important. 4 degree hydrogen is not possible. 4 degree hydrogen is not possible. तुमने definition तो लिख ली, लेकिन 4 degree hydrogen possible नहीं है. 4 degree hydrogen possible है? क्यों नहीं? बेटा ये कार्बन 4 डिग्री है, क्या कभी इससे कोई हाइड्रोजन अटैच होगा? क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन से कोई कार्बन अटैच होगा? कोई हाइड्रोजन अटैच होगा? कार्बन ही होंगे ना अटैच. एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? तो इसमें तो बेचारे 4 डिग्री ने तो 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिए. क्या हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के साथ अटैच होने के लिए इसके पास वैलेंसी बची रहेगी? तो क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है? तो तुम लोग ये चीज लिख लो और ये माइंड में रखना, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल. यही तुम सेल्फ स्टेट करोगे, 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है बोलो? कोई भी वैलेंसी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगी. इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई वैलेंसी प्रेजेंट नहीं रहेगी, इसलिए आपका 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है. किस किस को बात समझ में आ गया? क्योंकि डेफिनेशन क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन की बोला था?
हाइड्रोजन, 2 डिग्री को क्या बोलेंगे सेकेंडरी, और 3 डिग्री को क्या बोलेंगे टर्शियरी। बात क्लियर है, कांसेप्ट क्लियर, किस किस का कांसेप्ट वीक है, समझ में आ गया पूरा। तो सबसे पहले अगर मुझे 1 डिग्री हाइड्रोजन नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बताओ बेटा फटाफट, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बोलो आंसर कैसे निकालोगे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, बोल बेटा ये 1 डिग्री कार्बन है। हां क्यों है, क्योंकि ये एक कार्बन से अटैच है। क्या ये 1 डिग्री है, जो है क्या ये 1 डिग्री है, हां ना, क्या ये 1 डिग्री है, तो कौन सा डिग्री है, क्या ये 1 डिग्री है, हां है ना, बताओ क्या होगा, क्या ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री वो 1 डिग्री कार्बन मैंने इस स्ट्रक्चर में सारे लगा लिए। अब सब में हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, इसमें कितने, 3 कितने हुए बेटा बताओ बेटा, तुम पीसीएम है तुम्हारा कैलकुलेशन वाला, कितना 15 हाइड्रोजन एटम कितना होगा। अब तुम लोग दिमाग मत लगा देना, तुम्हारे पास दिमाग कम है, कब लगाना है ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना, ऐसा मत सोच लेना कि जितने 1 डिग्री होंगे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, जितने 1 डिग्री होंगे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 3 हो जरूरी नहीं है, 1 डिग्री के अंदर 3 हो जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है बात, किस किस को मेरी बात समझ में आई, किस किस को मेरी बात समझ में आई, पक्का समझ में आई, श्योर समझ में आई। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम देखो बताओ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बोलो, सब बोलो 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन निकालो बेटा कौन कौन से होंगे, ये कोई ये वाला बेचारा, क्या ये 2 डिग्री होगा, क्या ये 2 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री बता दो, ये क्या ये होगा, ये कितने डिग्री होगा, तो इसमें केवल केवल 2 डिग्री कितने हैं, तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच होने वाले नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए, चार, कैसे पागल लड़का, यहां पर कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो आंसर कितना आएगा, समझ में आया, पक्का समझ में आया, समझ में आया, पक्का समझ में आया बेटा। अभी तुम लोग है ना क्लास 10 से आए हो, आए हो ना, अभी तुम्हारी नादान नादान आंखें खुली होगी, एक तो दूसरे को सुन, तो एक तो तुम्हारी आंखें खुली होगी, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखने को बचा हो, तो थोड़ा सा साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करो ठीक है, धीरे 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 तुमको बहुत कुछ आ जाएगा, डरना नहीं है, डरोगे तो कुछ नहीं होगा, पढ़ोगे तो सब कुछ होगा ठीक है। अब बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ क्या लिखने वाला बोलो, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम बताओ कितने होंगे, बोल बोल, एक ही है ना 3 डिग्री, तो कितना होगा यहाँ पर, कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, श्योर पक्का, नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम पॉसिबल नहीं है, वेरी गुड, कोई यही बोलेगा जीरो, क्या बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम नहीं होता, मैं चाहता तो इसका फॉर्मूला लिखा देता था, फॉर्मूला लिखने से कोई मीनिंग नहीं है, तुम लोग ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ही फायदे में रहोगे, कभी गलत नहीं होगा, फॉर्मूला जब लिखोगे तो गलती 100% होगी, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी हमको धोखा दे सकता है, लेकिन कंसेप्ट कभी भी धोखा नहीं दे सकता। बात समझ में आई तो कोई अपने से फॉर्मूला भी क्रिएट नहीं करेगा और कोई अपने से नया कंसेप्ट भी क्रिएट नहीं करेगा, मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसी को स्ट्रॉन्ग करो ठीक है, फॉर्मूले पे भरोसा नहीं करना, सिंपल बात है ना। देखो अगर कंसेप्ट के पीछे भागोगे तो फॉर्मूला तो बन ही जाएगा, अगर फॉर्मूला के पीछे भागोगे तो क्या तुम्हारा कंसेप्ट बन जाएगा, क्या तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, इसीलिए किसके पीछे भागो, समझ में आया, इस क्वेश्चन में बोलो CH2 डबल
होंगे? कौन बताएगा? नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोमीटम, वन डिग्री हाइड्रोमीटम डेफिनेशन क्या है बोलो पहले। वन डिग्री हाइड्रोमीटम कौन से होते हैं? हाइड्रोजन एटम व्हिच इज अटैच्ड विद वन डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन एटम व्हिच इज अटैच्ड विद वन डिग्री हाइड्रोमीटम। तो बताओ वन डिग्री, सॉरी वन डिग्री कार्बन एटम, तो वन डिग्री कार्बन एटम कौन कौन से हैं बोलो बेटा। एक ये वन डिग्री है और एक ये भी होगा कि नहीं होगा। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो ये वन डिग्री, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? वन डिग्री। आप बताओ क्या होगा, कितने हाइड्रोजन है वन डिग्री? अभी अभी तुम लोग फॉर्मूला लगाने वाले थे, दो है ना, तो दो को मल्टीप्लाई कर दो तीन से, कितना आता? इसमें हुआ था ना वो, इसीलिए अपना फॉर्मूला नहीं बनाना, जो बोला है वही करना है। बात समझ में आई? अब इसमें बताओ नंबर ऑफ टू डिग्री हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ टू डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हुए बोल बेटा? वो वन पक्का श्योर? टू डिग्री के कार्बन कितने? ये चीज समझ में आई? एक और क्वेश्चन कर लेते एग्जांपल। नंबर ऑफ एग्जांपल करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ एग्जांपल नहीं करेंगे तो कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग नहीं होंगे। कंसेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है आपको? नंबर ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन करने होते हैं, और खास तौर से कॉपी में मैं सब टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूं, बस आपको उसी को बार-बार करके जाके रिपीट करना है, तब जाके आपका स्ट्रांग होगा। और मेरी सबसे इजी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, और उससे भी इजी इनऑर्गेनिक। अब तुम्हें एक चीज बता देता हूं, एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसा आता है जेईई में, आया तो सीधा टिक, एक सेकंड नहीं लगता उसको टिक करने में। आया तो सीधा तुम्हें पता पड़ जाएगा ये इसमें तो ये बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग करते हुए चल रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करते हुए चल रहा है। और इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी बता दूं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम ढूंढते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम, तो हम कभी भूले नहीं, इसके लिए क्या करना है? रिवीजन। और रिवीजन करने का तरीका तुमको पता है? नहीं। रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन करने का एक ऐसा तरीका रखना, मेनली हम पीछे से एक एक टॉपिक के एग्जांपल ही लिखेंगे एक रफ नोटबुक में, और उसको खुद सॉल्व कर लेंगे, तो उससे तुम्हारा परमानेंट रिवीजन चलता रहेगा। तो डेली अगर आपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को टाइम दिया है तो आप सही में एंड में सबसे ज्यादा फायदे में आप रहोगे, सबसे ज्यादा नुकसान में वो बच्चे रहेंगे जिससे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो आपको किसी से भी पता कर, ये सारी लाइन में तुम्हें सारी लाइन की सिमिलरिटी बता दूंगा, उससे मत पूछना जो जिसको मैंने पढ़ा, किसी और से पूछ तभी मैं पता पड़ता है। ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना सबसे आसान है, लेकिन ऑर्गेनिक तब तो लगती है क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसको भूल जाते हैं, हमारे कंसेप्ट भूलेंगे तो कंसेप्ट क्या हो जाएंगे बेटा? वी। तो बातें समझ में आई? अब इसमें मुझे बताओ वन डिग्री हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ टू डिग्री हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ थ्री डिग्री हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करो बेटा। इसमें मैं तीन चार क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करो, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन। 5 मिनट, ठीक है, जल्दी इसे करो। ये दोनों में आपको निकालना है, क्या निकालना है बेटा बोलो, सब बोलो, नंबर ऑफ, बोलो यहाँ पर नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर क्या निकालना है नंबर ऑफ टू डिग्री हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर क्या निकालना है नंबर ऑफ थ्री डिग्री हाइड्रोजन एटम, और नंबर ऑफ फोर डिग्री तो होता ही नहीं है, तो सिमिलरली क्वेश्चन नीचे भी लिखना है, ठीक है, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। Thank you.
Yeah.
बात क्लियर है, ये वाला कार्बन की थ्रेडिंग नहीं होगा, थ्रेडिंग नहीं लिख दिया मैंने, ये वाला कार्बन की थ्रेडिंग नहीं होगा, बोलो पक्का श्योर, ये वाला कार्बन की थ्रेडिंग नहीं होगा, 2 डिग्री, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, बात क्लियर है, जहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे बोलो बेटा, वन होंगे, क्यों वन होंगे, क्योंकि तीन बॉन्ड बना लिए इस कार्बन में, बचे कितने बॉन्ड, ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बनाए, तो बचे कितने बॉन्ड, ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बनाए, बचे कितने, ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बनाए, बचे कितने, ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बनाए, तो बचे कितने, ये वाले सिमिलरिटी, समझ में आ गया, अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, बताओ कितने होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, जल्दी बोलो बेटा, ये देखो 6, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने होंगे बेटा, बोलो 8, हां पक्का, हां श्योर, अगला नंबर ऑफ I guess
काफी इजी था, खाली नहीं है। नेक्स्ट है देखो, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अगर देखो टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन समझ पा रहा है? टाइप ऑफ हाइड्रोजन किस है? टाइप ऑफ हाइड्रोजन अच्छे से ध्यान रखो बेटा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। हम मेरी बात को ध्यान से, सिमिलर है? नहीं है ना, पहले वाले टाइप में क्या था, CH3 CH2 से अटैच
बदलेगा तो टाइप ऑफ हैंडलिंग पक्का बदल जाएगा। तो यहाँ पर उसके तीनों वर्ड डिग्री थे। पहली लाइन में क्या बोली थी बोलो, टाइप ऑफ हाइड्रोजन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो क्या डिपेंड है, इसका भी वन डिग्री था, इसका भी वन डिग्री था, इसका भी वन डिग्री था, क्या डिपेंड था, अलग टाइप का आ गया ना। अब सेकंड लाइन में क्या बोला, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज देन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कार्बन की डिग्री बताओ कितने का होगा, कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री। तो इसका मतलब टाइप का चेंज हुआ, सभी सोच सकते हैं नहीं तो ऐसे जहां से CH3 अटैच है यहां से CH3 अटैच है यहां से CH2 अटैच है, तो ये सबसे अलग हुआ, कितने कौन सा टाइप का हुआ, थर्ड टाइप। ये वाला बताओ जहां से CH अटैच है यहां पर CH3 अटैच है, तो ये भी सबसे अलग अलग हुआ। क्या ये दोनों सिमिलर है, हाँ या ना, क्या ये दोनों सिमिलर है, हाँ या ना, बोलो पक्का, श्योर, कंफर्म। तो ये कौन सा टाइप का होगा, फोर्थ टाइप। तो इसके अंदर कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बेटा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन विल बी, इसको यही ये पॉइंट समझ में आया, एक और एग्जांपल समझे, एक और एग्जांपल ऐसे भी समझ में आता है, ये वाला काट कट जा रहा है तो ऐसे काट,
ये मैंने मान लिया पहले टाइप का, ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पर जहां पर क्या प्रेजेंट है, सी साथ का हेडिंग ग्रुप सीएच, ये वाला सीएच थ्री किससे अटैच है, सीएच से अटैच है, बात क्लियर है। तो ये दो होगा फर्स्ट। अब यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, ये सीएच है, वो किससे अटैच है, सीएच टू। तो ये पहले वाले से अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कौन सा टाइप का होगा, अब समझना इसका बोलो। जहां पर जो ये क्या है सीएच टू, ये किस किस से अटैच है, तो ये अलग हुआ, ये कौन सा टाइप होगा, अभी तक तो अलग है, जितना अलग होता जाए पता नहीं। ये वाला बोलो क्या ये इससे अलग है, किसको नहीं दिख रहा। अब समझो ना, यहाँ पर ये सी एच से अटैच है, यहाँ पर सी एच टू से सी एच ओ, यहाँ पर CH2, तो ये तो दूसरा टाइप हो गया। ये वाला बताओ, ये आपका CH2, इसी की तरह से सिमिलरली बिहेव किया, ये वाला बताओ फोर्थ टाइप, समझ में आ रहा टाइप किसे निकालना हूं मैं, ये वाला बताओ थर्ड टाइप की तरह, ये ना CH2। तो टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने में बढ़े, इसमें बोल लो, क्लियर बात कर सकता अच्छे से। और एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से ग्रिप बन जाए इस टॉपिक, ठीक है ना, इस टॉपिक पे ग्रिप बन जाए, क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ इससे भी क्यों पढ़ा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम, ये बात भी कंफर्म। क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं अभी बताऊंगा, इसको कहाँ से रिलेटेड है वो मैं अभी बताऊंगा। और ये मान लेना, इस ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन जिसको आ गया उसको एक रिएक्शन के कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आ गए, एक अधिक रिएक्शन मोनोक्लोरीनेशन मोनोहैलोजिनेशन, उसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन का ही सबसे बड़ा रोल है, उस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। चलो स्टार्ट कर, एक और क्वेश्चन, कहां कहां रोल है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिखते भी जाओ, कहां कहां रोल आएगा, कहां रिएक्शन में रोल आएगा, सर ने बताया था, मैं तुमको रिएक्शन पढ़ाते टाइम बोलूंगा, ये पढ़ के आओ, चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी रिपीट होगी वापस से जो मैं आगे बढ़ाऊंगा, समझो बात। ये माना कौन से टाइप का बेटा, कौन से टाइप का माना बोलो, ये बात बताओ कैसे करोगे, इसके यहाँ जाएंगे तो सीएससी, पहले इसको समझो, सीएससी से क्या अटैची के बाद सीए, ये वाला देखो CH से क्या अटैच है, इससे क्या अटैच है, इससे क्या अटैच है, क्या ये इससे अलग है, तो ये कौन सा होगा, ये वाला बताओ इससे क्या अटैच है, इससे क्या अटैच है, तो ये नया टाइप होगा, इससे क्या अटैच है, इससे क्या अटैच है, तो ये नया टाइप होगा, क्यों होगा, क्योंकि इससे जो अटैच है CH और CH2, इससे क्या अटैच है CH2 और CH2, बात समझो, एक से CH और CH2 अटैच है और एक से क्या अटैच है CH2 और CH2, ये कौन सा टाइप हो जाएगा, पक्का इससे क्या अटैच है CH2, CH2 मतलब आपको
वो किसकी कॉपी कर रहा है? समझ में आया? टोटल टाइप ऑफ हार्डवेयर कितने में? समझ में आ गया? टोटल टाइप ऑफ हार्डवेयर कितने में इसमें? अब देखो, मैंने अभी ये बताया था मेरा मेथड ट्वीन मेल नहीं होता। जो इसका है टाइप वही इसका टाइप है, जो इसका टाइप है वो इसका है, जो इसका टाइप है वो इसका है, लेकिन जो फ्लैट पर आएगा उसकी उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इधर उधर का हम सिंगल टाइप करेंगे। समझ में आया? समझ में किस किस को आ गया? पक्का श्योर नहीं आया ना? अब इसका यूज कहाँ करेंगे? बहुत ही सुंदर जगह यूज करेंगे, बहुत ही सुंदर जगह। कहाँ करेंगे यूज बताओ, कोई कौन बताएगा? अब एलकेन से क्या निकालते थे? एलकेन से एल्काइल बनाने के लिए क्या निकालते थे? तो हम एक एलकेन से कितने टाइप के हाइड्रोजन निकाल सकते हैं एल्काइल बनाने के लिए? डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर। लिंक समझ में आया? लिंक नहीं आया। एल्केन से हम क्या निकालते थे एल्काइल बनाने के लिए? एल्केन से हम क्या निकालते थे हाइड्रोजन एल्काइल बनाने के लिए? अब हमको पता थोड़ी ना कि एल्केन कौन सा है। एक एल्केन से मैं कितने टाइप का हाइड्रोजन निकाल सकता था वो कौन बताएगा? और कितने टाइप के एल्काइल बना सकता था वो भी कौन बताएगा? तो क्वेश्चन इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करो। समझ में आ गया मैं चीजें कहाँ ले गया, चीजों को मैं कहाँ ले गया? समझ में आ गया? तो वही चीजें आपको थोड़ी समझ में आ। देखो मैंने हाइड्रोजन निकालना भी तुमको बता रहा हूँ, इसका मतलब एक बेसिक बता रहा हूँ, ज्यादा दिमाग का नहीं यूज करना। समझ में आ गया? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग का आराम से करूंगा, ऐसा नहीं होगा। खरगोश जीतता है और खरगोश जीतता है।
तो तुम लोग बचपन में पढ़े होंगे वो अलग बात होगी, तुम लोग बचपन में पढ़ते ना कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है चलता रहता है, बेटा ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, तेज करने वाला फास्ट करने वाला ही हमेशा आगे बढ़ता है। और एग्जाम के टाइम पे कोई सुनता नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो? इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इससे आपके कंसेप्ट और बिल्ड होंगे, ठीक है? इसी क्वेश्चन को करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बुक भी नहीं है और कॉपी भी नहीं, कॉपी तो दे देखो। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्म, हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्म बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन फिर लिखो, हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्म बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्म बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर किसका है? फॉलोइंग स्ट्रक्चर किसका है? एल्केन का। किसका है? पक्का? श्योर? समझ में आ गया? ठीक है, अब एल्काइल कैसे बनाएंगे? एल्केन से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां पर देखो ना कितने सारे हाइड्रोजन है, अब तुम बताओ कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे? जरूरी थोड़ी ना है हर हाइड्रोजन से अलग अलग टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ हाइड्रोजन। सुनो, हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्मड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, वो वाला मत देखो, खुद से निकालो, मुझे याद है मैंने वही लिखा है, निकालो यहाँ पर कितने टाइप है, ये कौन सा टाइप हुआ बोलो? फर्स्ट टाइप मान लिया, ये कौन सा टाइप हुआ बोलो? सेकंड टाइप। क्यों? बताओ बोलो बेटा,
से नहीं पढ़ रहे, मुझे ही मजा नहीं आ रहा बेटा। अगला बोलो, थर्ड टाइप में निकालो। एक बार मैंने यहाँ से निकाल लिया, देखो एक बार, थर्ड टाइप दो है ना, दोनों को निकाल के देख लेते हैं हम क्या मेरा क्या हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है। अब बताओ इसका नामिंग कैसे करेंगे। अब ये वाला किसी जुड़ा हुआ पेरेंट कार्बन चेन से, हल्का लिखो तो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है, हां या ना? वेरी गुड। अब जल्दी बताओ बेटा इसमें 1 2 3 4 नाम बोलो, नाम बोलो बेटा। ब्यूटाइल। क्लियर हुआ कांसेप्ट? पक्का श्योर? अगला, अब मैंने यहां से निकाला, यहां से निकाला, चेक कर ले क्या दोनों सिमिलर आते हैं। चलो निकालो, अब मैं नीचे वाले से भी निकालता हूं। जल्दी बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, बोलो क्या आएगा बेटा, बोलो 1 2 3 4 नाम बोल। क्या दोनों का टाइप सेम था, तो नाम भी एल्काइल ग्रुप का क्या आया, दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकालूंगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कैसे होंगे, अब समझ में आ गया। अगला बोलो, अगला कौन सा निकालना बचा है, फोर्थ टाइप हो गया ना, दो तो फोर्थ टाइप हो गया ना, टाइप अलग अलग है इसलिए नाम अलग अलग है, अगर टाइप सेम होता तो नाम भी सेम। अब समझ में आया मैंने क्यों टाइप अलग अलग किए, क्यों मैं बॉन्डिंग बता रहा था, ये वाला बोल रहा बताओ कैसे करोगे, 1 2 3 बोलो ना, 5 1 अब ये बताओ कोई भी नाम सेम आ रहा है, ये मेरे पांच पांच टाइप के अलग अलग ग्रुप बनाए, क्या 3 methyl नीचे के रिपीट हुआ, 1 2 dimethyl प्रोफाइल तो तुमको लग रहा होगा रिपीट हुआ, 1 2 dimethyl है लेकिन ये क्या है अलग है। बोला बताओ ये दोनों रिपीट हुए, एक बार मैंने यहाँ से निकाला था, एक बार मैंने यहाँ से निकाला था, इसलिए ये एक बार मैंने यहाँ से निकाला, नीचे वाले से निकाला, तो ये देखिए दोनों का टाइप क्या है बेटा, सेम है, दोनों का टाइप क्या है सेम है, इसलिए दोनों का नाम भी सेम आया। तो एक्चुअली में कितने अल्काइल ग्रुप बने बोलो बेटा, कितने अल्काइल ग्रुप बने, चार। तो इसको लिखने के बाद फाइनली लिख लेना, फाइनली जगह छोड़ के लिख लो बेटा, इस पे छोड़ के लिख लो, इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा वो आप लोग जानो, लेकिन इस पे छोड़ के लिखो, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर डिपेंड अपॉन, बोलो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब समझ में आया इतनी देर से मैं क्यों ये बता रहा था, इतनी चीख चीख के समझ में आया, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर डिपेंड अपॉन किस किस को कंप्लीटली समझ में आया, पक्का श्योर समझ में आ गया, कैसे किसको लिंक करना है समझ में आया, कैसे तरीके से जानना है समझ में आया, ठीक है। क्यों मैंने इसको एल्काइल से लिंक किया, क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद भी एल्काइल बनता है, तो यहाँ से अलग अलग टाइप का अगर मैं हाइड्रोजन जहां जहां निकालूंगा वहां वहां यही कंसेप्ट लगाऊंगा, जहां से मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा वहां वहां कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। कल के लिए होमवर्क देखो, एक होमवर्क लेटर पीछे, फाइंड द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, फाइंड द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप विच इज फॉर्म बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देखो Thank you.
भी क्वेश्चन है आपको करना है, करना है ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको लग गया है ठीक है। क्या है क्वेश्चन बोलो, जोर से बोलो, एनर्जी दी है, खाते नहीं आएंगे, जोर से बोलो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? लेकिन तुम्हें एक तो काम करना है, चेक जरूर करना, चेक करने से तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग होगा, मोमेंट प्लेस चेक करने से तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग होगा, हो गया समझ में आ गया पक्का? चलो एक बार फिर पास